गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस योर हिंदी क्लास एंड टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर 1। सुबह हो गई, देखिए हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, जिससे अब आपको रिवाइज करनी है और अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। और जो मैं वर्क दूंगी वो आपको होमवर्क में करके भेजना है मुझे, ताकि आपका ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। ओके, तो उठ जाओ उठ जाओ, सुबह हो गई, मुर्गे ने है बांग लगाई, उठ जाओ सुबह हो गई भाई, चिड़ियों ने भी डाला डेरा, चींची चींची हुआ सवेरा, सूरज तुम्हें जगाने आया, किरणों ने है ली अंगड़ाई, उठ जाओ सुबह हो गई। दादी मंदिर की करी तैयारी, मुन्नी रोती बस्ता भारी, पापा जी अखबार मंगाते और दादाजी घूमने जाते, रसोई में अम्मा की अब तो खटखट शुरू हो गई, उठ जाओ सुबह हो गई। मतलब कहते हैं दादी मंदिर के लिए तैयारी कर रही है और मुन्नी स्कूल जाने के लिए बस्ता भारी है, ये रो रही है स्कूल जाने के में, पापा जी अखबार मंगा रहे हैं और दादाजी क्या कहाँ जा रहे हैं, घूमने जाते हैं। रसोई में क्या हो रहा है, अम्मा खटपट शुरू हो गई है, अम्मा की खटपट शुरू हो गई है, मतलब काम करने लग गई है अम्मा तो खटखट शुरू हो गई, उठ जाओ सुबह हो गई, मतलब इतने सारे काम हो गए हैं अब तो उठ जाओ, फिर ऊँ ऊँ करना छोड़ दो, अब तो हिलो जरा तुम, आँख तो बोलो खोलो, नहा धोकर तैयार तुम होना, अनमोल समय है यूँ मत खोना, चंदा छिप गए तारे, रात भी जाने कहाँ खो गई, उठ जाओ सुबह हो गई। मतलब इसमें कवि कह रहे हैं कि अब ऊँ ऊँ करना छोड़ दो, सवेरे उठाते हैं तो आप लोग ऊँ ऊँ करते हैं ना, ये अभी नहीं मम्मी ये वो, तो ऊँ ऊँ करना छोड़ दो, अब तो आँखें खोलो, खेलो जरा तुम और आँखें खोलो, नहा धोकर तैयार तुम हो जाओ, सवेरे जल्दी से उठो और फ्रेश होकर नहा धोकर तैयार हो जाओ, ये अनमोल समय है, मतलब ये बहुत ही कीमती समय है, इसको ऐसे सोकर मत गंवाओ, चाँद भी छिप गया और तारे भी छिप गए हैं, रात भी जाने कहाँ खो गई, रात चली गई है, चांद छिप गया तारे छिप गया सूरज निकल आया, अब उठ जाओ और अपने कीमती समय को यूँ सोकर मत खो, उठ जाओ सुबह हो गई। आप ये पूरी कविता अपने आप पढ़ेंगे और इसको लर्न करेंगे, हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ओके। इसको अच्छे से आप रिवाइज करो, क्योंकि इन्हीं 2-3 चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में हैं उसमें से आपका यूट्यूब में आना है, इसलिए खूब अच्छे से आप इसको तैयार कर लो। शब्द अर्थ करते हैं हम सबसे पहले, सुबह, सुबह मीन्स क्या होता है, सवेरा, डेरा, डेरा मीन्स जमकर बैठना, अनमोल मीन्स कीमती, जो बहुत कीमती समय होता है उसको अनमोल बोलते हैं ना, कोई भी कीमती चीज़ होती है उसको अनमोल बोलते हैं, खोना मीन्स बर्बाद करना, ये बांग, बांग मीन्स मुर्गे की आवाज़, सुबह मुर्गा बोलता है ना सबको उठाता है, वो बांग लगाता है, सभी मुर्गे की आवाज़ आती है तभी सब उठते हैं। अंगड़ाई लेना, अंगड़ाई लेने में शरीर को जोर से खींचना, रसोई, रसोई मीन्स वह स्थान जहाँ खाना बनाते हैं, चंदा, चंदा मीन्स चंद्रमा, ठीक है। मौखिक प्रश्न, मुर्गे ने बांग लगाकर क्या कहा, मुर्गे ने बांग लगाकर क्या कहा कि उठ जाओ सुबह हो गई भाई। दूसरा क्या है, सूरज क्या करने आया है, सूरज तुम्हें जगाने आया है, सूरज क्या करने आया, तुम्हें जगाने आया है ना, तो उठ जाओ सुबह हो गई। दादी जी कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं, दादी जी कहाँ जा रही हैं, मंदिर जा रही ना, दादी जी मंदिर जाने की तैयारी कर रही हैं। अब सही उत्तर पे टिक लगाइए, तो कहे पापा जी ने क्या मंगवाया, क्या मंगवाया था पापा जी ने, अखबार मंगवाया था ना, अब बस्ता है खाना है तो क्या मंगवाया था, अखबार मंगवाया, अखबार पे टिक लगा देंगे हमें। अब ख, दादाजी कहाँ गए हैं, कहाँ गए, बाजार गए, घूमने गए या स्कूल नहीं गए, दादाजी बाजार गए थे ना, वो घूमने गए थे ना, तो यहाँ पर घूमने पे टिक लगा दिया, ओके। अब मिलान कीजिए, देखिए अम्मा कहाँ रहती हैं, रसोई घर में रहती है ना, तो अम्मा को रसोई घर से मिला दिया। पापा कहाँ, क्या पापा क्या कर रहे हैं उसका पविता में, अखबार पढ़ रहे हैं, तो अखबार पे टिक लगा मिला दिया। दादी जी कहाँ जा रही थी,
दादी जी मंदिर जा रही थी तो मंदिर पे हमने मिलन कर दिया। और दादाजी कहाँ जा रहे थे? घूमने जा रहे थे सैर को, तो घूमने पे बाकी उस पर ठीक मिला दिया। ओके, अबे कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो देखिए ये कविता आप पूरी ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये कविता की पंक्तियाँ तभी आप पूरी कर सकते हैं जब आपने कविता पढ़ी होगी, आपको लर्न होगी, इसलिए कविता को अच्छी तरह से पढ़ना है। क डैश ने भी डाला डेरा, किसने डेरा डाला? चिड़ियों ने, चिड़ियों ने भी डाला डेरा, चींची चींची हुआ डैश क्या हुआ सवेरा। ख डैश धोकर तैयार तुम होना, कैसे नहा धोकर तैयार तुम होना। अनमोल समय है यूं मत खोना, ठीक है यूं मत डैश है यहाँ पे खोना आ जाएगा, तो ये आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तभी आपको लर्न होगा। करेंगे सिर्फ प्रश्न उत्तर। देखिए रसोई में कौन काम कर रही थी, कौन काम करती है रसोई में? अम्मा काम करती है ना मम्मी, तो रसोई में अम्मा काम कर रही हैं। ख है सुबह होने पर सबको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए सुबह होने पर सबको? नहा धोकर तैयार होना चाहिए, है ना। मुन्नी क्यों रो रही थी, क्यों रो रही थी मुन्नी बताइए? मुन्नी रो रही थी है क्योंकि उसका बस्ता भारी है, है ना, बेचारी छोटी सी होगी वो बस्ता नहीं ले जा पाएगी इसलिए रो रही है। ये शब्द जो हैं सारे इनको आप अच्छी तरह से लिखना सीखो, बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करो, इससे कि आपको लिखना आ जाए। जैसे सुबह, बांग, चिड़ियों, अंगड़ाई, मंदिर, अखबार, केड़ों, रसोई, ये सब आप लोग बिना देखे लिख कर देखेंगे। ओके, इनकी मात्राएं चिन्ह लिखिए। देखिए आ का डंडा है बड़ा लिखा, बड़ा आकर क्या होता है मात्रा, आ का डंडा लगाया जाता है, ये हो गया। छोटी, छोटी की मात्रा ये ऐसे लगती है, बड़ी की मात्रा इधर से लगती है, छोटियों की मात्रा ऐसे लगती है, बड़ेों की ऐसे लगती है, री की ऐसे नीचे को लगती है, छोटी ए की ऊपर एक मात्रा लगती है, बड़ी ए की दो मात्राएं ऊपर को लगती हैं, ओ की एक मात्रा ऊपर को लगती है। ये सब आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कैसी मात्रा लगती है। ओ की मात्रा एक डंडा खींच के दो मात्राएं लगती हैं ऊपर, अंक की एक ऊपर बिंदी लगती है, और बड़ा अंक खाली की ऐसे लगती है ऊपर को चंद बिंदी। ओके, पाठ में से इन मात्राओं वाले शब्द छांट कर लिखिए। अभी आ की मात्रा और ई की मात्रा के सब शब्द दिए गए हैं तो ये हमने लिखे हैं, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे और लिखेंगे। जैसे मड़िया का डंडा, मड़िया की मात्रा लगानी तो डाला, आया, ई की मात्रा लगानी है तो चिड़ियों, चिड़ियों की आ गई ना, बड़ी की मात्रा की चींची करती हुई, चींची आ गई, सुबह में छोटे ओ की मात्रा ये आ गई, बड़े ओ में यूं ये आ गई, या की मात्रा यूं की मात्रा, छोटी ए की मात्रा तारे, तारे में रापे लग गई। ओके, अब ये शब्द पूरे करने हैं। देखिए ई ऊ ओ तथा ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। तो पर है लिखा है, ये क्या है परी, तो यहाँ पर ई की मात्रा ऐसे लग जाएगी, ये परी हो जाएगा। ये है फूल है, फूल में क्या हुआ, ये एक बड़े ओ की मात्रा लग गई, ये फूल हो गया। और ये क्या है मोर, मोर में एक ओ की मात्रा लग गई, मोर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है फूल बना हुआ है, तो यहाँ पर पा में छोटे ओ की मात्रा लग गई, पुल हो जाएगा। ओके, अब आप ये सब अपने आप से करेंगे और जो ना समझ आए वो मुझसे पूछेंगे। अभी कैसे बोलते हैं, इनकी आवाज़ें लिखी हैं। से मुर्गा है, कैसे बोलता है? कुकड़ू करके बोलता है। चिड़िया कैसे बोलती है? चींची करके बोलती है। कौवा कैसे बोलता है? काँव काँव करके बोलता है। और तोता टेटे करके बोलता है। मेंढक कैसे बोलता है? टर टर करके बोलता है। और मोर प्यूं प्यूं करके बोलता है ना, ये सब आवाज़ें दिख रही हैं। आप इसको पढ़ेंगे और जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछेंगे, इसके मैं क्वेश्चन आंसर दूंगी, वो आपको करके मुझे सेंड करनी है होमवर्क में, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। ओके, अब आप इसको पूरी कविता को पढ़ना और ये एक्सरसाइज रिवाइज करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।